हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। ये रहा अरविंद, आज इसका मन उदास है। आज सुबह सुबह सो के उठा, इसका मन अच्छा नहीं है। बोल हेलो दोस्तों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, धूप हो चुकी है भाई, एकदम तगड़ा वाली धूप हो चुकी है। देखो कल थोड़ा मौसम डाउन था, लेकिन आज फिर तगड़ा वाला धूप हो गया है। धूप जरूरी भी है, नहीं धूप नहीं होगा तो गेहूँ नहीं पकेगा, सूखेगा नहीं और सरसों भी नहीं पकेगा। तो धूप तो भाई जरूरी है, जितना धूप होगा उतना जल्दी सब तैयार होगा इस फसल। तो आज हमको करना है धान की कुटाई, क्योंकि मशीन आने वाली है घर के पास ही, यहीं पे कुटवा लेते हैं। तो इसको अचार हटा देते हैं। अचार का मर्चा है लाल लाल एकदम, ये अचार भरा जाता है इससे। इसको साइड में कर लेते हैं, यहीं पे धान रखा हुआ है। देखो एकदम लाल लाल है भाई, मज़ा आता है खाने में जब अचार पूरी हो जाती है। तो अंदर रखा हुआ है हमारा कुछ बोरी, इसी में है धान। इसको नीचे लेके चलते हैं द्वार पे। सड़क पे चलेंगे क्योंकि वहीं पे आएगी मशीन। तो दो बोरा ले चलेंगे, दो बोरा को धान को कुटाई करेंगे, इसमें चावल निकालेंगे दो बोरे में से। वजन है इसमें कम से कम 40 किलो जितना एक बोरे में, और इसमें भी काफ़ी वजन है। ये भी कुछ नहीं तो ये भी 50 किलो होगा ही, 50 किलो वजन इसमें भी है। तो बारी बारी से घसीट के ले चलते हैं इसको, चोटी पकड़ के द्वार पे। वजन इसमें ज़्यादा है इसलिए कंधे पे एक अकेला नहीं उठ पाएगा। दो आदमी तो मिल के उठा लेंगे लेकिन अकेले नहीं उठ पाएगा। ये वाला बोरी तो सबसे ज़्यादा भारी है, इसको दोनों हाथ से घसीटना पड़ रहा है फिर भी इस ताकत लगा के। तो चलो आगे बोरी बाहर। ये रहा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को लेके चलते हैं द्वार पे। और इसमें ये है मशीन पूरा राइस मिल। यहाँ से मोड़ के तो यहाँ पे बकरी है, गाय भी, भैंस सब खा रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रैक्टर आ गई है, बोरे को उठा के रख लेते हैं इसमें, उसके अंदर दो लोग मिल के उठाएंगे। चलो एक तो हो गया, दूसरे को भी फेंकते हैं। चलो भाई मशीन और ट्रैक्टर को चालू करते हैं। भाई ट्रैक्टर चालू हो चुकी है, मशीन चालू होना बाकी है, उसको टाइट कर लेते हैं पहले। चलो मशीन भी चालू हो गई, और फटाफट से इसका चावल निकाल लेते हैं धान में से। यहाँ पे जो किया हुआ है ट्रैक्टर से धान उठाना शुरू हो गया है। इसमें दो बार उठा जाएगा, फिर इसमें आएगा सफाई करने के लिए। इसमें घुसी जाता है ऊपर तो फसल निकलता है। इस पे वजन कर लेते हैं कितना हुआ है। कुटाई पूरी हो गई है तो वजन इसमें आप दे सकते हैं 56 किलो हुआ है। 92 किलो चावल था, 92 किलो धान था और 56 किलो चावल हुआ है, और इतना सारा कम हो गया है। तो इसको रख लेते हैं घर में।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।